आ चुका हूँ बागपुल से और अभी रास्ते में हूँ। कि मैं और मेरी फ्रेंड रुके थे एक ढाबे पे खाना खाने के लिए, अब हम खाना खा चुके हैं, अब हम जाने वाले हैं। अभी हम आए हुए हैं टी स्टेट में, चाय पत्ती के बागान में। तो जैसे कि वो मेरी फ्रेंड घूम रही है वहाँ अंदर चाय पत्ती के बागान के अंदर, हाँ बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रही है और मैं भी एंजॉय कर रहा हूँ। काफ़ी धूप है, गर्मी हो गई है यहाँ तो अभी। फोटोग्राफी का सेशन कर रहे हैं अभी, बहुत धूप हो गई है, बहुत गर्मी है। ओफ, जैसे कि अभी मैं इनकी मेघना की फ़ोटो खींच रहा था। अब हम चलेंगे गोरबथान की ओर। गोरबथान थोड़ा चेल रिवर पे हम जाके पिकनिक स्पॉट पे जाएंगे और देखेंगे कि कैसा है आज कल पिकनिक का माहौल। वैसे भी अभी यहाँ पर पिकनिक का माहौल चल रहा है, तो चलिए देखते हैं। Now we are going to Gorubathan picnic spot. Yeah. Yeah, we are enjoying the ride. Yes. We are enjoying a lot. तो हम पहुंच चुके हैं, Gorubathan picnic spot पे। यहाँ लगता है किसी टाइप का डांसिंग प्रोग्राम हो रहा है, तो चलिए देखते देखिए। मैं मेले में आया हुआ हूँ, यहाँ बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं और यहाँ झूला भी लगा हुआ है, अलग अलग टाइप्स के गेम हो रहे हैं यहाँ पर, यहाँ हिल्स वगैरह भी हैं और उस साइड है नदी और इस साइड लगा हुआ है मेला, परफेक्ट कॉम्बो बना। अब हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए बैठ गए हैं, काफ़ी ज़्यादा गर्मी का माहौल है, बहुत ज़्यादा क्राउड भी है, इसलिए गर्मी भी ज़्यादा लग रही है और लोग भी काफ़ी दूर दूर से आए हुए हैं। गाड़ियाँ तो काफ़ी सारी, बस वगैरह रिजर्व करके आए हैं लोग और गर्मी बहुत लग रही है अभी। जा रहा हूँ नदी की तरफ, तो अब चलिए देखते हैं कि नदी में कैसा क्राउड है। तो हम निकल रहे हैं अब यहाँ से और ऊपर की तरफ जाएंगे अब हम।
रहे हैं जन्नत, जहाँ पर ये मेरी फ्रेंड खेलना चाहती है वाटर से, रिवर के अंदर। तो हम स्पेशली इसी इन्हीं के लिए जा रहे हैं वहाँ पर घूमने। और अभी हम जैसे पिकनिक स्पॉट पे तो चले गए थे, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्राउड था इसलिए हम पानी में नहीं जा पाए। तो अब हम जा रहे हैं जहाँ ऐसी जगह जहाँ पर कोई नहीं होता। तो लेट्स गो। यप्पी, द पपाया ट्री, द स्मॉल पपाया ट्री, दिस इज गुआवा, राइट? एंड व्हाट इज दिस? दिस इज बीटल नट। बीटल नट, इट हैज अ पार्टी। पार्टी, ओके। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं जन्नत। देखिए यहाँ पर कितनी ज़्यादा शांति है। यहाँ ज़्यादा टूरिस्ट आते नहीं है क्योंकि किसी को पता ही नहीं है इस जगह के बारे में। सारे नीचे पिकनिक स्पॉट पे ही पिकनिक मनाते हैं, यहाँ कोई नहीं आता है।